हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम घटनाचक्र का पूर्वावलोकन डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश वर्जन में, लेकिन मैं समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश मिला के। इसमें आपको पता है लगभग 30 साल से ऊपर के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं। 1990 से लेके फरवरी 2022 तक का जो पेपर जो भी हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल साइंस का पोर्शन है। जनरल साइंस में 3 चीज़ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी का हम और भी कई चीज़ें कर चुके हैं। जो दो तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो हम कर चुके हैं, लाइक डिजीज और प्रोटीन वगैरह वाला सब डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ जूलॉजी। नाम से ही पता चलता है जू यानी जानवर से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी के दो पार्ट है, एक जूलॉजी और एक है बॉटनी। बॉटनी में हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, जूलॉजी में हम बात करते हैं लिविंग और इवन डेड एनिमल्स के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे एनिमल जो इवन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में भी हम स्टडी कहाँ पे करते हैं? जूलॉजी में ही करते हैं। जूलॉजी के फादर का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को दो चीज़ का फादर बोलते हैं, एक जूलॉजी का भी और इवन बायोलॉजी के भी फादर। तो आप मुझसे पूछ सकते हो बॉटनी के फादर किनको बोलते हैं? बॉटनी के फादर के नाम है थियो फ्रेस्टस। इनकी एक किताब थी बहुत फेमस, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लैटरम। हिस्टोरिया प्लैटरम, हिस्टोरिया प्लैटरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। आपको एक तरफ लिस्ट दिया हुआ है, बर्ड्स, इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट, फॉसिल्स। यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। जैसे कि बर्ड की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होता, ओ से कई और भी चीज़ें होते हैं। जैसे एक होता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी किससे रिलेटेड होता है? बोन की स्टडी से रिलेटेड होता है। उसके बाद आपसे अगर ओलेरी कल्चर पूछे तो ये रिलेटेड है अबाउट वेजिटेबल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए ओस्टेरी कल्चर, यहाँ पे और ओरिंथोलॉजी, और ओस्टेरी कल्चर वो ये रिलेटेड है ओएस्टर से रिलेटेड। तो ये सारा रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो बर्ड्स हो गया और ओरिंथोलॉजी, तो ए का 3 आंसर तो हमारा आ गया, फिर भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? जेनेटिक्स की स्टडी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। एनवायरनमेंट की स्टडी को इकोलॉजी। फॉसिल्स में पैलियो बायोलॉजी बोलते हैं, पैलियो बायोलॉजी, क्लियर। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, तो बाकी भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेनोलॉजी, ये बात करता है ह्यूमन स्कल का, ह्यूमन स्कल। उसके बाद एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बात करता है फ्लावर्स, हमें पता है। उसके अलावा एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ये ग्रास के बारे में बात करता है। पैलिनोलॉजी, ये बात करता है पोलिन ग्रेन्स के, पोलिन ग्रेन्स। तो सारे के स्टडी हमें पता चल गया। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी, यहाँ पे आपको देखा रहा है इच थायोलॉजी, ये किसकी स्टडी है? ये है स्टडी ऑफ फिश। पैरासाइटोलॉजी, ऑब्वियसली पैरासाइट की स्टडी को बोलेंगे पैरासाइट। मेलाकोलॉजी, ये किसकी स्टडी बोलेंगे? मॉलुसेस और उसके सेल्स की स्टडी को बोलते हैं, क्लियर। ये सारा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी से रिलेटेड स्टडी, देखो जेनेटिक्स तो हमें पता है इनहेरिटेंस वाला है, और उसके बाद इकोलॉजी तो हमें पता है ये इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म।
इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप, ORE हम लोग याद रखते हैं। डेमोग्राफी है रिलेटेड टू पॉपुलेशन के स्टडी के बारे में, ठीक है ना। वायरोलॉजी तो हमें पता है, वायरस, क्लियर। तो सारे स्टडी हमें पता होने चाहिए। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, कल्चर की स्टडी की बात हम करें, डिफरेंट कल्चर एंड इट्स साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इसका करेक्ट आंसर है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब होता है, अगर आप ठीक से जाने तो इसका होता है डिफरेंट जो रेसेस है ना मैनकाइंड की, उसकी स्टडी करना। और उसको हम अलग अलग कल्चर बता सकते हैं, और उसकी साइंटिफिक स्टडी करना डिफरेंट रेसेस की। एथनोग्राफी तो हम लोगों ने कितने बार पढ़ा है, ये इसमें हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक कल्चर के बात करते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कल्चर के बारे में या एक रेस के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। इथोलॉजी तो होता है एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना, इथोलॉजी। एथिक्स तो हम सबको पता है, एथिकल ड्यूटी या एथिकल बिहेवियर की स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, और इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये घटनाचक्र का कोर्स है जो आप लोग अभी कर रहे हो। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज दिस नॉलेज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज। सिंपल समझ लो ना, अगर कोई हम ऐसा कुछ बनाते हैं जो नेचर में ऑलरेडी है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं ताकि वो नेचर की में ही तरह बिहेव करे, ठीक है ना। जैसे रोबोट वगैरह बना लेते हैं ऐसा, जो नेचर में सेम बिहेव करे, उसको बोलते हैं बायोनिक्स, ठीक है ना, बायोनिक्स उसको बोलते हैं, याद रखना। बायोनॉमिक्स क्या है? ये कंपैरेटिव स्टडी है किसी ऑर्गेनिज्म का उस इन्वायरमेंट के रिलेटेड, कि इस इन्वायरमेंट में कैसा रहता है, इस इन्वायरमेंट में कैसा रहता है। बायोनॉमी, बायोनॉमी अगर बात करें तो ये है लॉ ऑफ जो लाइफ है ना, उसकी स्टडी करना। मतलब सारे जिंदगी के एक लॉ होते हैं, उसकी स्टडी करना। बायोमेट्री मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टैटिस्टिकल स्टडी करना, ठीक है ना, कि स्टैट के थ्रू स्टडी करना। नेक्स्ट है पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी किस चीज़ की स्टडी करते हैं? एल्गी, फंगी का करते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि पैलियो बॉटनी एक ब्रांच है, पैलियोटोलॉजी या पैलियो बायोलॉजी जो बोलते हैं, उसके एक ब्रांच है, जिसमें क्या डील करते हैं कि प्लांट का जो रिमेन है ना, उसके रिकवरी और उसके आइडेंटिफिकेशन से बात करते हैं, ठीक है ना, और कैसे वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं प्लांट। इसके बारे में, जैसे कोई प्लांट है बिल्कुल बिल्कुल मर गया है, तो उससे कैसे आप पहचानोगे कि क्या प्लांट था, क्या प्रॉपर्टी थी इसकी इसकी, या बिल्कुल आपको उसका रिमेन्स एक टुकड़ा मिला, पत्ता का टुकड़ा मिला बिल्कुल, तो उससे क्या बहुत कुछ पता कर लोगे। वो होता है पैलियो बॉटनी। पैलियो से नाम से पता चलता है कुछ पुराना चीज के ढूंढ रहे हैं। दो तो हमें बिल्कुल आसानी है, याद ही रहता है, एक तो एल्गी, एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, या हम इसको एल्गोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ये में इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और इसके स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, सिल्क वॉर्म की रियरिंग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या बोलते हैं? जो हनी बीज को पालना होता है ना, हनी बीज, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, तो 10th क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर किसके बारे में होता है? हॉर्टिकल्चर ये अबाउट फ्रूट है, फ्रूट, फ्रूट की स्टडी। फ्लोरिकल्चर तो हमें पता है, फ्लावर, फ्लावर की स्टडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो फ्लावर का फ्लोरिकल्चर, क्रॉप का तो एग्रोनॉमी बोलते हैं, वेजिटेबल का हॉर्टिकल्चर थोड़ी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर तो फ्रूट का है। बट वेजिटेबल का क्या होता है? ओलेरी कल्चर होता है, ठीक है ना, वेजिटेबल ग्रोइंग, वेजिटेबल से डील करने वाला सब कुछ ओलेरी कल्चर होता है। मैं आपको स्पेशल वर्ड बताता हूँ, जो हॉर्टिकल्चर आप बार बार देखते हो ना, हॉर्टिकल्चर में आप बोलते हो कि कभी कभी फ्रूट भी आ जाता है और इसमें सब्जी भी आता है। हॉर्टिकल्चर की तीन ब्रांच होती है, एक है ओलेरी कल्चर, और एक है ओलेरी कल्चर, उसके बाद आता है फ्लोरी कल्चर,
और एक है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी तो फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, और ये सब्जी हो गया। तो आप ये सिर्फ सब्जी के लिए फिर हॉर्टिकल्चर देना, ये सही वर्ड नहीं लग रहा है। क्लियर? तो सी उसी हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के ही तीन टाइप है, मतलब ये वाला नहीं, तीन है ना, एक ओलेरी जो सब्जी वाला, मतलब ये तीनों टाइप है, और एक है फ्रूट और एक है फ्लावर, मतलब इसको छोड़ के तीनों है हॉर्टिकल्चर के टाइप्स। इसलिए देखो आपको जहाँ हॉर्टिकल्चर मिलेगा तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक भी क्वेश्चन है फ्लावर, फ्रूट या वेजिटेबल, तीनों में से। तो हॉर्टिकल्चर के ब्रांच है में तीन ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है, उसके अंदर तीन सब ब्रांच है, देख लिया ना कौन कौन है, वो हमें पता चल गया। एक है पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर। लेकिन यहाँ पे एपी तो हमें पता है, सेरी पता है, पीसी कल्चर अबाउट, पीसी कल्चर किसके बारे में, पीसी कल्चर है अबाउट फीस के बारे में। तो सी इज अ यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है। ये वीडियो कैसा लगा बताना, फिर मैं बाकी वीडियो जो होगी वो आएगी, वो होगी अनलिस्टेड, तो आप बताना कि कैसा लगा, और आप ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।